ये डोसा आ गया है और इसके साथ इन्होंने घी दिया है और खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है और इन्होंने साथ में सौंफ सर्व करे हैं, पता नहीं हो। तो मैंने कहा मेरे को वड़ा पाव वाले दिखे एक दो, तो मैंने कहा चलो वड़ा पाव खाते हैं। बड़ा इतना बेकार वड़ा पाव, मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, पैसा वेस्ट, बिल्कुल पसंद नहीं आया। आथू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग, और एक वापस से नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हूँ मैं बैंगलोर में। आप मौसम देख के बता ही पा रहे होंगे कि कोई अच्छी जगह पे हो। तो यहाँ का मौसम ही अच्छा लगा मुझे, घूमने की यहाँ जगह है नहीं कोई। मैं मेरे को आज दूसरा दिन है, सॉरी मैं आप लोगों के लिए कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी था। तो मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले थे मुन्नार में जो यहाँ पे हैं अभी, तो उन लोगों की भी छुट्टी है। तो मैंने कहा कि अब आज जाना है शाम में घूमने, तो आज ही वीडियो बना लेता हूँ, फिर आपको वो सब भी दिखा दूँगा यहाँ पे कि नाइट लाइफ कैसी है, यहाँ की सब कैसा है। मौसम तो यहाँ पे अच्छा हो रहा है, 26-27 डिग्रीज टेम्परेचर है। बाकी अभी मैं जा रहा था कुछ खाने, तो यहाँ पे मैंने एक जगह है यहीं पास में ही है, तो वहाँ से मसाला डोसा खाया था। बेस्ट मसाला डोसा ऑफ माई लाइफ, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, नॉमिनल ही चार्जेज है उसके, 60 रुपीज़ का है। और साथ में यहाँ फिल्टर कॉफ़ी, मतलब फिल्टर कॉफ़ी, मेरे को कॉफ़ी की एक्सपेक्टेशन इन्होंने यहाँ सेट कर दिया पूरी, मतलब तो स्टारबक्स की कॉफ़ी भी उसके आगे फेल लगती है, तो ऐसा कुछ है। और सिर्फ 15 रुपये में मिल जाएगी आपको फ़िल्टर कॉफ़ी, कई कई जगह आएगी 12 रुपये में भी मिल जाएगी। तो लेकिन वो कॉफ़ी के लिए तो मैं, मतलब वो तो मैं चारों टाइम पाँचों टाइम दिन में पी सकता हूँ, इतनी बढ़िया कॉफ़ी है वो, तो ऐसा कुछ है। और मैं यहाँ पे जो स्टे कर रहा हूँ वो गोस्ट स्टॉप पे स्टे कर रहा हूँ। तो मुन्नार में भी मैं गोस्ट स्टॉप में ही था, और जब मैं कोची में था तो मैं एक दिन गोस्ट स्टॉप में था। गोस्ट स्टॉप सही है, इसके मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मेरे को यहाँ वीकेंड का जो पड़ा था वो 560 रुपीज़ पर डे पड़ा था, और आज जैसे अब मतलब कल और परसों मैंने किया था तो 560 पर डे पड़ा था। अब आज जो है, आज मैं डेली की बुकिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं मेरा कल का क्या प्लान रहे, तो आज मैंने सुबह बुक करा है तो ये मेरे को 420 का पड़ा है। तो मतलब आज वीक डे है तो अब इसका रेट सही हो गया, तो 420 में काफ़ी सही है, हाइजीनिक भी है, आप लोग आ सकते हो। और अगर यहाँ ना मिले आपका थोड़ा और बजट है, मतलब 200-300 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा खर्च सकते हो, मतलब 700-750 का आपका बजट है, तो आप हॉस्टल के लिए जाओ। मैं आपको 101% रेकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपका बजट 700-800 का है तो हॉस्टल से बेस्ट कुछ भी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो आप, हॉस्टल चेन है वो इंडिया की, और सोशलाइज़ करने के लिए सबसे बेस्ट वही है। अभी चलते हैं, मैं आपको पहले अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। और ये जो है मजेस्टिक रेलवे स्टेशन कह रहा हूँ, मजेस्टिक मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग पे है मेरा हॉस्टल, और जो KSR बेंगलोर का रेलवे स्टेशन है उससे 10 मिनट वॉकिंग पे है। और यहाँ पे एक बस स्टैंड भी है, मेरे को नाम नहीं पता उसका, तो उससे भी 5 मिनट वॉकिंग पे है। तो अभी चलते हैं, मैं आपको पहले अपना हॉस्टल दिखाता हूँ बाहर से कि कैसा है, कैसा दिखता है, और उसके बाद फिर चलते हैं वो डोसा खाने, मुझे बहुत भूख लग रही है क्योंकि। और चलो गाइस चलते हैं फिर। तो गाइस ये मेरा हॉस्टल है, बड़ा कलरफुल सा है, और अंदर कॉमन एरिया भी सही है। बाकी ये पार्किंग है यहाँ पे, और ये इन लोगों के डॉग्स हैं, ये यहीं पे बैठ रहते हैं, आप लोग खेल सकते हो इनके साथ। और कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये यहाँ रिसेप्शन है, और ये सारा कॉमन एरिया है, यहाँ पे गेम्स वगैरह है, तो आप यहाँ जा सकते हो अंदर, तो ऐसा कुछ है। तो गाइस ये मैंने एक मसाला डोसा लिया है यहाँ से, ये कुछ ऐसा है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब कल भी मैंने ये मसाला डोसा ही खाया था तो 60 रुपीज़ का है, और सही है। इसके साथ मैंने एक फ़िल्टर कॉफ़ी भी लिया, लेकिन फ़िल्टर कॉफ़ी मैं बाद में लूँगा। तो इस जगह का नाम जो है ये है विजय कैफे, तो आप आ सकते हो। और ये मेरे हॉस्टल के पास ही है, बस स्टॉप से निकलते ही सीधा बाहर की तरफ है, तो आप यहाँ आ सकते हो। और मसाला डोसा ज़रूर ट्राई करना है यहाँ का, मुझे तो सबसे बेस्ट लगा, मतलब आई गेस देसी की प्रिपरेशन है, एंड 60 रुपीज़ में तो कहाँ ही मिलता है, और काफ़ी सही है यार, टेस्ट बहुत सही है इसका। तो भाई ये अब मैं फ़िल्टर कॉफ़ी ले रहा हूँ, और यहाँ बहुत सही फ़िल्टर कॉफ़ी है, इन्होंने पहले कॉफ़ी पाउडर डाला है, फिर अब दूध डालेंगे, और लेकिन इसका जो टेस्ट है नेक्स्ट लेवल टेस्ट। अभी ले कर चलते हैं इसको। ये फ़िल्टर कॉफ़ी जो है ये 15 रुपये की है बस, और काफ़ी सही है, मतलब यहाँ का मेन्यू ना हाइजीन वाइज
हाइजीनिक भी सही है और इसका टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल है। पैर हो रही थी तो मैं कुछ खाने आया था, मैंने कहा ऑफिस से भी ब्रेक मिला मेरे को तो मैंने कहा कुछ खा के आते हैं, तो मैंने कहा मेरे को वड़ा पाव वाले दिखे एक दो, तो मैंने कहा चलो वड़ा पाव खाते हैं। बड़ा इतना बेकार वड़ा पाव, मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, पैसा वेस्ट, बिल्कुल पसंद नहीं आया, आथू ऐसा था। तो कोई नहीं, अब मेरे को थोड़े दिनों बाद मुझे मुंबई जाना है एक दो दिन के लिए किसी काम से, तो वहाँ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो चल रहा हूँ मैं, अब वापस जा रहा हूँ क्योंकि मैं आधे घंटे से घूम रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे पूछिए, तो यहाँ पे पूछिए जो भी प्रोग्राम हो रहा था तो मैं देख रहा था यहाँ घूम घूम के कि भाई क्या है, समझने की कोशिश कर रहा था, आया मुझे कुछ समझ नहीं, लेकिन मैंने कहा ट्राई कर लेते एक बार ऐसा कुछ है। और मौसम बहुत बढ़िया, तो बैंगलोर में एक बढ़िया चीज़ लगी मौसम, और दूसरा डोसा और फिल्टर कॉफ़ी, बस अभी तक तो मेरे को बैंगलोर की बैंगलोर मेरी एक्सपेक्टेशन तक आ नहीं पाया, तो ऐसा कुछ है। बाकी ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी लेना हो तो ले सकते हो, और चलते हैं। तो गाइस अब 6:30 बज रहे हैं और मैं निकल गया हूँ, और अब जा रहा हूँ मैं टॉयट जो है पब का नाम है TOIT, तो काफ़ी फेमस है, मतलब जो मेरा दोस्त बोल रहा था यहाँ पे, मतलब काफ़ी तो नहीं मतलब फेमस बोला था उसने तो वहाँ जा रहा हूँ, और वो इंदिरा नगर पे है। और एक चीज़ मैंने नोट करी, ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, कि जहाँ मैं रह रहा हूँ जो मैजिस्टिक मेट्रो स्टेशन के पास दोस्त का उस पर जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो ये सेंट्रल है, जैसे अगर दिल्ली से मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो जैसे कनॉट प्लेस है सेंटर, जहाँ से आप कहीं पर भी जाओ तो आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी है, एकदम कनेक्टिंग स्टेशन जिसे कह लो। तो यहाँ अभी तक मुझे जितना पता चला है दो लाइन है, एक पर्पल लाइन है या वॉयलेट लाइन कह सकते हो, और एक ग्रीन लाइन है, तो वो इंटरसेक्शन स्टेशन जो है ये वो वाला है, तो ऐसा है। और मतलब यहाँ पे जो आसपास घूमने के एरियाज हैं वो है, एक MG रोड है, महात्मा गांधी रोड, एक इंदिरा नगर है, और भी हैं, मतलब मुझे तो अभी तक यही वाले थोड़े नोटिस में आया है। तो इंदिरा नगर जा रहा हूँ मैं, और यहाँ से कनेक्टिविटी उसकी सही है, तो ऐसा है। तो अगर आप लोग आओ तो आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो। वैसे मैं पहुँच गया हूँ इंदिरा नगर, और मेट्रो स्टेशन यहाँ भी सेम ही है जैसा हमने जयपुर में देखा था और अरनाकुलम में देखा था कोची में, और यहाँ का भी सेम ही है। तो अभी जा रहा हूँ मैं, इसके बाद पहुँचते हैं वहाँ। ये है टॉयट ब्रूरी, तो आप यहाँ आ सकते हो, इसके प्राइसेस भी सही है, एंड यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी आप कर सकते हो, बिकॉज इनकी खुद की ही ब्रूरी है, ये आप देख सकते हो टैंकर लगे हुए हैं, तो काफ़ी सही है, और यहाँ पूरी प्रोसेस भी लिखी हुई है, तो काफ़ी सही है। मतलब इफ़ यू आर अ फैन ऑफ फ्रेश बियर तो आप यहाँ आ सकते हो, एंड इट्स लाइक दिस, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, और प्राइसेस भी काफ़ी नॉमिनल है। मॉर्निंग गाइज, और एक वापस से नया दिन है आज, और अभी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो आप मेरे पीछे मौसम देख ही सकते होंगे। अभी बज रहे हैं अराउंड 1:30, दोपहर हो रही है, लेकिन यहाँ मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। चलते हैं कुछ खाया जाए, क्योंकि भूख मुझे लग रही है, दोपहर हो गई है और मैं सुबह का उठा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ MTR जा रहा हूँ, यहाँ पे जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ईटिंग जॉइंट्स है, तो चलते हैं। अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा भाग के जाऊंगा मैं वहाँ तक, और दिखाता हूँ आपको वहाँ, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ का सबसे बढ़िया है साउथ इंडियन खाना, तो चलते हैं। तो गाइज ये मेरे हॉस्टल से अराउंड 300 मीटर दूर ही है, तो हम आ गए MTR, तो चलते हैं अंदर, खाते हैं कुछ। तो गाइज ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा छोटा सा ही रेस्टोरेंट है वैसे तो। ये डोसा आ गया है और इसके साथ इन्होंने घी दिया है, और खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है, और इन्होंने साथ में सौंफ सर्व करे हैं, पता नहीं हो। और यहाँ पे मैंने देखा ये बस नारियल की चटनी रहती है और दूसरी चटनी सर्व नहीं करते, तो ऐसा कुछ है। और खुशबू इसकी, मतलब मैं
आपको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी प्यारी खुशबू है, ऊपर से घी डालो और बहुत सही और बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलो अब मैं ये खाता हूँ। मैंने अब हो गया है, बिल दे दिया और बिल जो था वो 113 रुपये ही आया था बस टैक्स वैक्स मिला के। तो लेकिन 113 रुपये के हिसाब से क्वालिटी जो इन्होंने दी है वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि और साथ में घी भी देते हैं अलग से, और जो टेस्ट था उसका टेस्ट तो एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैं जो कहूँगा। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। मैं अगर एक दो दिन और यहाँ हूँ जब तक तो मैं ट्राई करूँगा फिर से आऊँ। और यहाँ पे मैंने देखा सांभर जो होता है वो थोड़ा सा ना स्वीट टेस्ट में रहता है, मतलब मेरे को दिल्ली की आदत है, दिल्ली में तो सब स्पाइसी और वैसे रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्वीट रहता है बिकॉज लोग सांभर पे फोकस नहीं, मतलब सांभर के साथ नहीं प्रेफर करते ज़्यादातर, वो चटनी पे फोकस करते हैं। तो जो चटनी होती है वो नारियल वाली वो बहुत सही होती है, उसमें मस्त अपना मिर्ची विर्ची डाल के वो बहुत, मतलब वो भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ मैंने जितनी भी अब तक खाई है सबका, जैसे किसी में गार्लिक होगा, किसी में पुदीना होगा, किसी में ग्रीन चिली होगी, तो ऐसा रहता है। तो वैसे ये मेरे हॉस्टल का कॉमन एरिया है सेकेंड फ्लोर पर, और वहाँ जो है वो प्राइवेट थिएटर है, मतलब जाके आप देख सकते हो मूवीज़ वूवीज़ देखनी हो तो काफ़ी सही है। ये मेरी फ्रेंड बन गई क्या? तो ये यहाँ पे प्राइवेट थिएटर भी है और मुझे आज ही पता चला, काफ़ी सही है देख सकते हो। और तो अगर आप कभी भी बैंगलोर आओ तो आप 101% गो स्टॉप पर रुकना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कॉमन एरिया भी मिलता है और ये प्राइवेट थिएटर भी है, तो आप आराम से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब कुछ भी देखना वो देख सकते हो। आज जो है मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, यहाँ चर्च स्ट्रीट बोलते हैं इसे, हाँ पहले मैं चर्च गेट कर रहा था लेकिन वो मुंबई वाले उसका याद था तो, लेकिन ये जो है ये चर्च स्ट्रीट है, तो काफ़ी हैपनिंग सी जगह है, मतलब यहाँ पे पब भी है और वैसे ईटिंग जॉइंट भी है, और लेकिन घूमने के लिए बहुत प्यारी जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वीडियो में। और मतलब थोड़ा फॉरेन कंट्री वाली वाइब आ रही है यहाँ से, जैसे बैंकॉक थाईलैंड जैसा, क्योंकि इसकी यहाँ की रोड दूसरी है, यहाँ टाइल वाली रोड है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी सही है, यहाँ फ़ोटोज़ अगर लेनी है तो आप यहाँ आ सकते हो, बहुत सही जगह है। और अभी आज सैटरडे है तो थोड़ी सी यहाँ भीड़ ज़्यादा है, और अगर आपको मतलब अलग अलग की जीन्स का खाना वाना खाना है तो आप यहाँ आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट हैं, आप नाम लो वो रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और मोमोज से लेके चाइनीज़, जापनीज, इटालियन और इंडियन सब कुछ मिल जाएगा, तो आप आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। तो गाइस ये देख सकते हो आप, काफ़ी सही लग रहा है, और यहाँ पे ये कुछ ऐसी रोड है, और ये देखो गाइस, तो यहाँ 90% लोग जो है वो पैदल ही घूम रहे हैं, बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हैं और ये एक छोटी सी बेकरी सी भी है, तो ऐसा कुछ है, बाकी यहाँ का क्राउड काफ़ी अच्छा है। पसंद है।
कहा कुछ नहीं बात कर रेलवे स्टेशन जहाँ बैंगलोर में। अब इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और आप लोगों में से जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और सपोर्ट करो। और मेरा इंस्टाग्राम आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और सबके साथ शेयर कर दो गाइस, सबके साथ, मतलब जितने भी आपके कॉन्टैक्ट है सबके साथ कर दो शेयर, ठीक है गाइस। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, सायोनारा, दसवीं दानिया, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।